हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मितुज क्रिएटिविटी कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत सारा प्यार एंड लाइक मेरी सारी वीडियो को दिया है। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कुछ यूनिक आइडिया अबाउट टेबल लैम्प। यू कैन से एक्चुअली बोटल टेबल लैम्प, बिकॉज जो मैं उसका स्टैंड बनाने वाली हूँ बोटल की हेल्प से बनाने वाली हूँ, और जो शेड बनाऊँगी वो ऊन की हेल्प से बनाने वाली हूँ। ओके, और यस, ये जो बोटल मैंने बनाया हुआ है, पहले से बनाया हुआ है, क्ले आर्ट करी है पिकॉक की। तो इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर फुल ट्यूटोरियल। और दिस इज़ स्पेशली फॉर माय हस्बैंड एज अ गिफ्ट, देन यू कैन मेक ऑल्सो फॉर एनीबॉडी एज अ गिफ्ट। इट विल लुक वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Just do it. Come with me. इसके लिए मैंने एक एम्प्टी बॉक्स लिया है, बिकॉज मुझे एक शेप देना है। ऊन लिया है मैंने, ग्लू लिया है, ऑल पर्पज ग्लू है ये, प्लास्टिक लिया है मैंने, पेंट ब्रश है मेरे पास ग्लू को लगाने के लिए, थोड़ा सा वाटर लिया है मैंने, आइसक्रीम स्टिक लिया है। अब मैं उस प्लास्टिक को इस पे रैप कर दूंगी, पूरे बॉक्स को कवर कर दूंगी इससे, सो दैट बॉक्स पे ग्लू ना लगे और बॉक्स पे स्टिक ना हो कुछ। जो मैंने ग्लू लिया है उसको वाटर के साथ मिक्स किया है, जितना ग्लू लेंगे उतना ही वाटर लेके मिक्स कर लेंगे। फिर इस प्लास्टिक पे पूरी तरह से ग्लू को लगा दूंगी मैं, उसके बाद ऊन रैप करूंगी लाइक दिस, कैन सी हियर। मैंने दो बार इसे रैप किया है सो दैट इट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे तरीके से पूरे पे ग्लू लगाना है, एकदम जैसे पानी में इसे गीला कर देते वैसे ही ग्लू से इसे गीला कर देना है बिल्कुल, और उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देना है लाइक दिस। अब मैंने स्टिक लिया है, इसको मेजर कर ले रही हूँ मैं कितनी लंबी लगेगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने, मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबी स्टिक थी नहीं इसलिए मैंने इसे जॉइंट कर दिया है, और इस पर भी ऊन रैप कर दे रही हूँ मैं, इस पर येलो कलर का रैप कर रही हूँ। इस तरीके से मैं 6 स्टिक रेडी करूँगी। मैं इस पर इक्वल डिस्टेंस पे 6 स्टिक को स्टिक कर दूंगी इस पर ग्लू की हेल्प से, कैन सी हियर। मार्क कर लिया है मैंने पहले इसे पेंसिल की हेल्प से, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस लिया है मैंने। अपर साइड पे ऊन रैप कर दे रही हूँ कि इस पे थोड़ा बॉर्डर टाइप लगे। हर जगह मैं ग्लू ही यूज कर रही हूँ, वो भी वाटर मिक्स्ड।
अब इसे होल्ड करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है, ऊन से इसे रैप कर दूंगी। ये अच्छी तरीके से अभी ड्राई नहीं हुआ है, 24 आवर हुए हैं बट ड्राई नहीं हुआ है, बट इस पर मैं पेंट कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारे एक्रेलिक कलर यूज किए हैं और मैंने फीदर्स के डिज़ाइन बनाए हैं, क्योंकि मेरा जो बोतल है उस पर पीकॉक बना हुआ है, सो मैं इसका सेट बनाना चाह रही थी। तो मैंने फीदर ड्राइंग करी है, उस पर मैं पेंट कर रही हूँ। येलो एक्रेलिक कलर है, ग्रीन कलर लिया है मैंने, ब्लू कलर लिया है सबसे। इस पर बहुत अच्छी तरीके से इस पर पेंटिंग नहीं हो पा रही है, बट ओके है। ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। मैंने नॉन मेटेलिक गोल्डन कलर लिया है हाईलाइट करने के लिए। यू कैन सी हियर, मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट करने के लिए लिया है नॉन मेटेलिक। बस पॉइंट सेंटर पे मैं इसे पॉइंट कर दूंगी। ग्रीन नॉन मेटेलिक कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब मेरा लैम्प सेट रेडी हो चुका है। 48 आवर्स लगे हैं पूरे कंप्लीट ड्राई होने में। अब मैं इसका प्लास्टिक रिमूव कर दूंगी। बहुत ही इजीली प्लास्टिक इसका रिमूव हो जाएगा, बिकॉज ग्लू प्लास्टिक पे स्टिक नहीं होता है। यू कैन सी हियर, रिमूव हो चुका है ये। मैंने कुछ उलन बॉल लगा दिए हैं। अब टेबल स्टैंड के लिए मैंने ये बोतल लिया है, ये हैंगर लिया है मैंने, हैंगर का ये बना हुआ है। होल्डर ले लूँगी मैं, बल्ब ले लिया है। इस तरीके से रिंग बना लिया है मैंने, यू कैन सी हियर, इस तरीके से मैंने फिट कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी बोतल क्ले आर्ट का। देखिए इस तरीके से मैं होल्डर फिक्स कर दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ टेप एंड ग्लू। और इस रिंग को मैंने ऊल से कवर कर दिया है, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए। यू कैन सी ये बोतल लैम्प इज रेडी नाउ। अब मैंने इस तरीके से हैंग किया है तो मुझे ऊपर का जो मैंने बेस बनाया था हैंग करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे कट करके हटा दूंगी। इजली कट हो जाएगा बिकॉज ये कार्डबोर्ड पे बना हुआ है इस तरीके से, यू कैन सी। थैंक यू गाइज़।